Ah. तो भाई लोग, आज मैं तुम लोग को ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ। कभी भी किसी गलत इंसान के साथ नहीं रहना। क्यों रे? अरे अरे बदल जाते हैं लोग। घंटा डायलॉग ही भूल गया। बंद कर वीडियो। क्या था डायलॉग? चलो सब अपनी अपनी बीमारी बताओ। मुझे रात में सूरज दिखाई नहीं देता, अब आपकी बारी। और मुझे दिन में चांद दिखाई नहीं देता है। भाई ये रस्सी कितने रुपए मीटर दी है? 50 रुपए मीटर। कुछ कम लगा लो। क्या करेगा? खुदकुशी। हाँ खुदकुशी। खुदकुशी करेगा तो पैसे बचाएगा, क्या करेगा? हाँ भाई कह तो सही रहो, 5 मीटर दे दो। ये चोर। भाई आपका फोन आ रहा है। हेलो। हाँ आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ लेते आऊंगा। ठीक है। ओ भाई अपना फोन तो लेके जा। हाँ। ओए रुको, इधर। तुम्हारा फोन में मेरा डीपी? भाई आप रील्स बनाते हो ना, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, इसलिए आपका डीपी लगा रखा है। थैंक यू भाई। लेकिन मैं तो रील्स बनाता ही नहीं हूँ। मेरा फोन। रुक। पढ़ाई नहीं करोगे मतलब। अरे भाई साहब मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ कहीं देखा होगा। लेकिन भाई साहब मैंने आपको कहीं तो देखा है। अरे हाँ भाई साहब देखा होगा कहीं। लेकिन भाई साहब मैंने आपको कहीं तो देखा है। लेकिन भाई साहब मैंने आपको कहीं तो देखा है यार। याद नहीं आ रहा। वो क्रिकेट का ना, क्रिकेट। लेकिन भाई साहब मैंने आपको कहीं ना कहीं देखा हुआ यार, बस याद नहीं आ रहा। वो खाने के बाद आ जाएगा। सब देखा से तो लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। क्या सो जा, हो सकता है सुबह याद आ जाएगा। सो जा। तुम्हारा गांव कौन सा है? यमपुरी। जिला कौन सा है? नहीं वहाँ जिला वाला कुछ नहीं होता। जिला नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अच्छा ये तुम्हारे गांव जाने के लिए कौन सी बस में चढ़कर जाना पड़ता है? हमारे गांव जाने के लिए बस में चढ़कर नहीं जाते, बस के नीचे गिर कर जाते। बस के नीचे? नीचे गिरे तो जाते हैं। आप ना खुलकर बताइए मुझे कि उस दिन हुआ क्या था और क्या हुआ आपके साथ, जो भी है खुल के बताइए, घबराइए मत बिल्कुल भी। मैं लड़की देखने गया था अपने लिए। अच्छा। लड़की का बाप डॉक्टर था तो वो मेरी तबीयत देखने लगा। फिर मैंने बोला ये क्या मजाक है, तो बोल रहा है मजाक तो हो जाता हमारी बेटी के साथ। फिर मैं वहां से आने लगा तो उसने कमजोरी की दवाई लिख के दे दी। अरे प्रिया रो क्यों रही है? मेरा दुख सुनोगी तो तुम भी रो दोगी। क्या हुआ? स्कूल टाइम में जो लड़का मुझे छुप छुप कर देखता था, अब बड़ा होकर डॉक्टर बन गया है और अब देखने की फीस लेता है।
अरे भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि मास्टर जी को पता चल गया तो। अरे भाई तुम डर क्यों लाए, मैं हूं ना तेरे साथ। तो बा भाई मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। तो ले क्यों रहा है? ले चोट्टा, भाग कह रहा था तुम लोग। सर होमवर्क बना के नहीं आया है? होमवर्क कहने बनाया था रे? वो सर लाइट नहीं था। हाँ तो मोमबत्ती जला लेता। सर माचिस पूजा घर में था। पूजा घर से ले आता माचिस। सर नहाया नहीं था। नहाया कहने था रे? वो सर पानी नहीं था। तो पानी कहने भरा? सर आपको कथा पर बताएंगे, जब लाइट नहीं था तो पानी कैसे भरेंगे? चोट्टा बाप दादा नहा के मर गया तालाब के पानी में और तू मोटर के पानी में नहाएगा? निकला हो टट्टी करने, हो 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 मैं निकला हो टट्टी करने खेतों में रात के 12 बजे। एक चोर आया मैं उठे चड्ढी छोड़ आया। वाओ वेरी डेंजरस। मम्मी मैं दोस्तों से पार्टी करने जाऊं? हाँ भाई घर में थोड़ा कुछ काम है, मैं नहीं जा पाऊंगा। हाँ ठीक नालायक पढ़ भी लिया कर। वैसे कभी तूने कोई बुक खोल कर देखी है अपनी? मैडम जी मैं एक बुक रोज खोल के देखता हूँ। कौन सी बुक? फेसबुक। अरे वो सोशल मीडिया की बुक है, मैं पढ़ने वाले की बात कर रही हूँ। दोस्त अगर भविष्य में कभी भी तुमको पैसा ईसा का जरूरत पड़े ना, हाँ तो हमको याद करना, दोनों आदमी स्टेशन पर बैठ के भीख मांगेंगे। सलाह। अबे उठ, बता सोना कहाँ है? अरे भाई यहीं सो जाओ। बता भाई क्या मैटर हो गया? अरे अच्छा हो भाई तू आ गया, ज्यादा कुछ नहीं हो, बस एक लड़की का मैटर हो गया। क्यों रे? लगता है कोई जादू टोना किया है, अब तो तू मरा। अरे अरे भाई कुछ उपाय कर भाई, बचा ले मुझे। वो उधर सामने बाहर बैठे हैं, अब वही तुम्हारे समस्या का समाधान कर सकते हैं। चलो चलो चलो। बाबा बाबा मेरा कुछ मत बोल, तेरा मरना निश्चित है। बाबा बाबा कैसे भी करके मेरा जान बचा लीजिए। एक ही रास्ता है, तेरा पैर काटना पड़ेगा बालक। हाँ बाबा काट दीजिए काट दीजिए। बाबा अब जान बच जाएगा ना मेरा। अरे यार तूने सब्जी कहाँ गिरा दिया? ये देख यहाँ गिरा पड़ा। अरे उठा उठा। अरे भैया। हाँ भैया। मेरा एक फोटो ले लेंगे? एकदम ले लेंगे, ये लीजिए। थैंक यू। हाय क्यों रे? का कलुआ? हैं का कलुआ? कलुआ नहीं जानते? नहीं। चौन आदमी कलुआ नहीं जानता, वो दुनिया का नहीं जानता। आयो रे मां।
हमको फेवरेट डोसा ही है। तुमको पता है चाइनीज लोग इस हाथ से खाना नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हाथ मेरा है ना, अपने हाथ से खाना खाते होंगे कि जिंदगी में। पुष्पा हाँ? सवाल का जवाब दे यार। अरे ना 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 ना, आज तुम मेरे सवाल का जवाब दो। चल पूछ पुष्पा, तू भी याद रखेगा चल। अच्छा ये बताओ भैया, ताजमहल किसने बनाया था? इतना सिंपल सवाल बस, ये ताजमहल शाहजहां ने। शाहजहां ने नहीं बनाया था, ये ताजमहल मजदूरों ने बनाया था। अगर मेरे पैसा नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। ए इधर नहीं, बाहर रोड पे जाके मरने का। अगर आपके दाहिने हाथ में खुजली हो रही है तो अच्छे से खुजा के काम पे लग जाओ, क्योंकि पैसे काम करने से आते हैं, खुजाने से नहीं। तेरा जो कुतरिया, तू मेरे को बंगले का कागजात दे देना, नहीं तो तू साला बंगला भी बेच डालेगा। ले ले, इसका भरोसा नहीं रहे। तू समझा ए? ये बोलता काहे को नहीं? ये बाबा, ये बंगला है ना? ये बंगला है नहीं, बंगला था। क्या मतलब तूने बंगला भेज दिया? जब पता है कोई लड़की तुम्हें मैसेज नहीं करेगी तो क्या जरूरत थी इंस्टाग्राम डाउनलोड करने की? तुम तो यूट्यूब तो भजन सुनो मित्र। हाँ अरे भाई क्या ढूंढ रहा है? अरे मैं फेल हो गया, मेरा बाप बोल रहा तूने सारा पैसा पानी में डुबा दिया, वही ढूंढ रहा हूँ। छोटे हाँ भाईजान, अगर वो आशिक है तो हम उसकी सुपारी नहीं लेंगे। क्यों भाईजान? उससे बीड़ी का मंडल लेंगे। अब बीड़ी पीने को मन कर रहा हूँ मेरा बहुत ज्यादा, ले कहिए भाई जा। अभी जाओ। किसके लिए काम करता है तू? इसके लिए। और तू किसका आदमी है बे? हम किसी के आदमी नहीं है, हमारी औरत नहीं है ना, अब तक शादी नहीं हुई है। आपकी नजर में अगर कोई लड़की हो, आपकी कौम वाली भी चलेगी तो बता दीजिएगा। अरे दोस्त, और बीवी ने गुटखा खा दी है। हाँ, लेकिन तुरा कैसे बता रहे? कल चुम्मा लिया ना तो हमारे मुंह में गुटखा आ गया। एक ज्ञान की बात बताऊं? हम चप्पल के बिना चल सकते हैं, लेकिन चप्पल हमारे बिना नहीं। हाँ। किसके लिए काम करता है तू? इसके लिए। और तू किसका आदमी है बे? हम किसी के आदमी नहीं है, हमारी औरत नहीं है ना, अब तक शादी नहीं हुई है। आपकी नजर में अगर कोई लड़की हो, आपकी कौम वाली भी चलेगी तो बता दीजिएगा। भैया। हाँ भैया। मोबाइल में ग्लास लग जाएगा? हाँ भैया लग जाएगा। कितना लगेगा भैया? 200 रुपए लगेगा भैया। और अगर ग्लास में घर से लाऊं तो? चल भाग, भाग चला। अच्छा ये बताइए, जो बम फटा तो क्या एकदम से फटा? नहीं नहीं, एकदम से नहीं फटा, एकदम से नहीं फटा। बम पहले हमारे बाजू में आए, फिर मुझे देख के थोड़ा सा शर्माए, फिर लुढ़कते लुढ़कते मेरे नजदीक आए, फिर नजदीक आके बोले मैं बम हूं, आप बुरा ना माने तो फट लूं। मैंने कहा जब आ गए हो तो फट लूं। मेरी ओर देख के बम बोले फुचुक। दे चलाओ हो बैठो। एक सार तराने बैठे वो। बच्चों, लोगों से शिकायत आई है कि इस क्लास के बच्चे पढ़ने में बहुत ही कमजोर हैं। सर जो बोल रहा है गलत बोल रहा है। वो कैसे? सर हम इतना पढ़ने में तेज हैं कि आप हमसे जो सवाल पूछेगा चुटकियों में जवाब दे देंगे। अच्छा तो फिर ये बताओ भारत की राजधानी कहाँ है? इस क्लास का मॉनिटर कौन है? कौन है मॉनिटर? सर हमें। सर बता इस क्लास में सबसे ज्यादा बदमाशी कौन करता है? यही करता है सर, और आज तो क्लास में बीड़ी भी पी रहा था। चौटा बीड़ी पीता है, तुमको हम कुछ नहीं करेंगे। हेलो अमित के पापा, देखिए
आपका लड़का स्कूल में बीड़ी पीता है? नहीं पापा, हम कहाँ बीड़ी पीते हैं? चिंटू बता, हम कहाँ बीड़ी पीते हैं? बाथरूम के पीछे। चल आज तुझे घर पे बताता हूँ। क्या? ठीक है सर। तो बच्चों, बाहर से अफसर आने वाले हैं चेकिंग के लिए, तो जो पढ़ने में तेज है वो आगे आके बैठ जाए। अरे चट्टा, तुम आगे क्या कर रहे? हम भी पढ़ने में तेज है। अच्छा तो बता, तो कौन सा देश में रहता है तुम? नरेंद्र मोदी। आइए सर, आइए। तुम खड़ा हो जाओ। क्या नाम है? आरिफ हुसैन, सिक्स क्लास में पढ़ते हैं। कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? बैगन। बैठो। और तुम सिक्स क्लास में पढ़ रहे हो और गुटखा चबा रहा है? आई जी खला जाता हूँ। गुटखा खा रहे हो, कहीं मर उर गए तो? शाहरुख खान मरवे नहीं क्या, तो हम कैसे मर जाएंगे? बोलो जुबा कैसे थी? छोटा क्लास में गुटखा खाता है, यही सब लड़का स्कूल का नाम खराब करता है मास्टर जी।